देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक के बाद पेपर लीक हुए, अब अगर किसी नई प्रणाली से इस पेपर को कराया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी समझती कि सुरक्षित तरह से पेपर हो, पेपर लीक ना हो, पारदर्शी तरीके से पेपर हो, नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, और उसके लिए अगर सरकार कोई प्रबंध कर रही है तो उचित है, लेकिन जो भी परीक्षाएं हो वो पूरी पारदर्शी से तरीके से होनी चाहिए। अभी देखा गया कि राहुल गांधी को कल सुल्तानपुर कोर्ट में तलब किया गया है, कल राहुल गांधी की पेशी है। देखिए, माननीय न्यायालय की प्रोसीडिंग है, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, कानून का दुरुपयोग हुआ विपक्ष के खिलाफ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो एजेंसियां, कानून, इनका सामना विपक्ष को करना पड़ेगा। जब जनहित की बात करेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो आदरणीय राहुल गांधी जी की पेशी है। देश की न्यायपालिका पे विपक्ष को भरोसा है, समाजवादी पार्टी को भरोसा है, और देश की न्यायपालिका से न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन ये जो लड़ाई है जनता की वो विपक्ष लड़ता रहेगा। वर्तमान सांसद हो, विधायक हो, उन्होंने अधिकारियों की हठधर्मी की लेकर शिकायत करी है कि हठधर्मी ये है कि उनकी सुनवाई नहीं होती, अधिकारी मनमंजरी करते हैं। कल कई विधायकों ने जो मुलाकात करी मुख्यमंत्री से, उसमें भी उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत करी कि अधिकारियों का जो ये हठधर्मी उसको लेकर। देखिए, ये जनता की सरकार नहीं है, यहाँ जनता की कोई सुनवाई नहीं है, चाहे वो जनप्रतिनिधि, चाहे सरकार का हो या विपक्ष का हो, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता इस बात को कह रहे हैं जो बात समाजवादी पार्टी कहती रही है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो भ्रष्टाचार केवल थाने से लेकर तहसील तक ही नहीं है, भ्रष्टाचार तो वहां भी है जब शिक्षक भर्ती होती है और माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि हाईकोर्ट में कि कॉपी तक बदल दी गई। तो सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार है, मनमानी है, न्याय नहीं मिल रहा है, संविधान के अनुरूप सरकार नहीं चल रही, जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जब सरकार के खिलाफ जनता ने अपना गुस्सा जाहिर किया लोकसभा चुनाव में, तब वो लोग भी जाके हैं जो अपने मुंह पे टेप लगा के बैठते थे, जो बोलते नहीं थे, आज वो भी बोल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत है कि अब लोग बोलने लगे हैं, लोग डर से जो चुप बैठे थे वो भी बोलने लगे हैं, लेकिन जनता, वो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को जो जनता के हित की बात नहीं करती है, जो जन विरोधी है, उसको हटा देना चाहती है, बदल देना चाहती है। 2027 का इंतजार जनता कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक के बाद पेपर लीक हुए, अब अगर किसी नई प्रणाली से इस पेपर को कराया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी समझती कि सुरक्षित तरह से पेपर हो, पेपर लीक ना हो, पारदर्शी तरीके से पेपर हो, नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, और उसके लिए अगर सरकार कोई प्रबंध कर रही है तो उचित है, लेकिन जो भी परीक्षाएं हो वो पूरी पारदर्शी से तरीके से होनी चाहिए। अभी देखा गया कि राहुल गांधी को कल सुल्तानपुर कोर्ट में तलब किया गया है, कल राहुल गांधी की पेशी है। देखिए, माननीय न्यायालय की प्रोसीडिंग है, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, कानून का दुरुपयोग हुआ विपक्ष के खिलाफ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो एजेंसियां, कानून, इनका सामना विपक्ष को करना पड़ेगा। जब जनहित की बात करेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो आदरणीय राहुल गांधी जी की पेशी है। देश की न्यायपालिका पे विपक्ष को भरोसा है, समाजवादी पार्टी को भरोसा है, और देश की न्यायपालिका से न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन ये जो लड़ाई है जनता की वो विपक्ष लड़ता रहेगा। वर्तमान सांसद हो, विधायक हो, उन्होंने अधिकारियों की हठधर्मी की लेकर शिकायत करी है कि हठधर्मी ये है कि उनकी सुनवाई नहीं होती, अधिकारी मनमंजरी करते हैं। कल कई विधायकों ने जो मुलाकात करी मुख्यमंत्री से, उसमें भी उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत करी कि अधिकारियों का जो ये हठधर्मी उसको लेकर। देखिए, ये जनता की सरकार नहीं है, यहाँ जनता की कोई सुनवाई नहीं है, चाहे वो जनप्रतिनिधि, चाहे सरकार का हो या विपक्ष का हो, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता इस बात को कह रहे हैं जो बात समाजवादी पार्टी कहती रही है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो भ्रष्टाचार केवल थाने से लेकर तहसील तक ही नहीं है, भ्रष्टाचार तो वहां भी है जब शिक्षक भर्ती होती है और माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि हाईकोर्ट में कि कॉपी तक बदल दी गई।
तो सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार है, मनमानी है, न्याय नहीं मिल रहा है, संविधान के अनुरूप सरकार नहीं चल रही, जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जब सरकार के खिलाफ जनता ने अपना गुस्सा जाहिर किया लोकसभा चुनाव में, तब वो लोग भी जाके हैं जो अपने मुंह पे टेप लगा के बैठते थे, जो बोलते नहीं थे, आज वो भी बोल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत है कि अब लोग बोलने लगे हैं, लोग डर से जो चुप बैठे थे वो भी बोलने लगे हैं, लेकिन जनता वो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को जो जनता के हित की बात नहीं करती है, जो जन विरोधी है, उसको हटा देना चाहती है, बदल देना चाहती है। 2027 का इंतजार जनता कर रही है।